डॉक्टर स्लंप एपिसोड 16। तो एपिसोड के स्टार्ट में न्यूल हमें बताती है कि तेसुन अंकल लगभग 20 साल से मिल मेयून बना रहे हैं। मिलिट्री सर्विस से वापस आने के बाद उन्होंने उनके डैड के केक शॉप पर काम करने के लिए हाँ कर दिया था और इसके बाद उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। ये कोई भी नहीं जानता कि उनके दिल में अचानक इतना परिवर्तन क्यों आया। और वही नामदा भी आजकल तेसुन अंकल के साथ बहुत ही हेल्प कराते हैं, लेकिन उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि वो इंटरेस्ट के साथ मिल मेयून बनाना सीख रहा है। और बात करें मेरी मॉम की, वो अपनी लाइफ में कभी भी घमंडी नहीं रही। हम देखते हैं कि न्यूल की आंटियां बैठकर न्यूल के बारे में ही बात कर रही थी कि उसने डॉक्टर की पढ़ाई तो कर ली, फिर भी वो जॉबलेस है और उसी जगह में स्टक है और इसके जिम्मेदार वो वॉल्सन को ठहरा रहे थे। तभी यहाँ पर हम वॉल्सन को बड़े स्टाइल में आते हुए देखते हैं और ये उनके लाइफ में पहली बार था जो वो इतना कॉन्फिडेंस दिख रही थी। कोई अपनी लाइफ जी रहा था। ली होंग को भी उसका प्यार मिल गया था। देखिए, उन्हें ली होंग के साथ एक नई शुरुआत करी। और बात करें न्यूल की, तो न्यूल अभी भी अपने रास्ते पर धीरे धीरे चल रही है। के मन में चल रहा है कि आगे जाकर उसके लाइफ में और क्या चीजें होने वाली है। वो अपने आप से सवाल करती है, क्या सच में मैं अब ओके हूँ या फिर मुझे मुझ पर और भी काम करने की जरूरत है। वेल, हम नामदा को बड़े पेशेंस के साथ नूडल्स बनाते हुए देखते हैं। वो सबके लिए बाउल रेडी करता है और जब वॉल्सन और न्यूल इसका पहला बाइट लेते हैं तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि नूडल्स बहुत ही अच्छे बने थे और उन्हें नामदा पर प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि नामदा हमेशा से बचकानी हरकत करता है। अब वो भी धीरे धीरे सेंसिबल हो रहा है, दोनों उसकी खूब तारीफ करते हैं। तभी यहाँ पर जनवुक भी आता है, वो भी नूडल्स खाने लगता है तो सभी उसी की तरफ देख रहे थे और वेट कर रहे थे कि वो इसके बारे में क्या कहेगा। जनवुक कहता है नूडल्स तो बहुत ही टेस्टी है लेकिन थोड़े थोड़े सोगी हो गए हैं। तभी वॉल्सन उसका बाउल खींच लेती है और वही नील उसे खींच कर बाहर ले आती है। आगे जनवुक को भी पता चलता है कि वो नूडल्स नामदा ने बनाए थे। उसे भी यकीन नहीं होता कि नामदा ने इतना कुछ बनाना सीख लिया है। नील कहती है इसी वजह से हमें उस पर प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि हमें हमेशा उसकी चिंता होती थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ सीख भी पाएगा या नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे वो भी बड़ा हो रहा है, वो भी सेंसिबल होते जा रहा है, अब हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जनवुक कहता है। और तुमने मेरे बारे में सोचा? न्यूल पूछती है, कौन सी बात कर रहे हो तुम? तो जनवुक कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे फैमिली का हिस्सा बनाओगे, तो तुमने तो अभी तक इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तभी न्यूल कहती है, तुम भी जानते हो उस टाइम पर मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, तुम्हें पता है ना तब क्या हुआ था। दोनों उस पल को याद करके शर्माने लगते हैं। वही तेसुन नामदा को उसकी फर्स्ट सैलरी देता है, जिसे देखकर नामदा बहुत ही खुश हो जाता है। उसे जल्दी से लेकर बाहर आता है और उसे लिफाफे के साथ चिपक जाता है। तभी यहाँ पर न्यूल भी आती है और उसे पूछती है, उसे लिफाफे पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, क्या ये कोई लव लेटर है? नामदा कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है कितना ओल्ड फैशन है, और आजकल ऐसे लव लेटर कौन देता है। और फिर वो उसे बाहर जाकर खाना खाने का ऑफर देता है, कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहली ट्रीट होगी। ये सुनकर न्यूल चौंक जाती है और उसे कहती है, तो तुम्हें फर्स्ट सैलरी मिली है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे ट्रीट देने वाले हो। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और खाना एंजॉय करते हैं। न्यूल थोड़ा सा खाना घर के लिए भी पैक कर लेती है और नामदा से कहती है, इसका पेमेंट मैं कर दूंगी। तो नामदा कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन पेमेंट करते टाइम तुम मेरी फोटो लेना, क्योंकि कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि मैंने पेमेंट किया था। इसके बाद न्यूल उसका पेमेंट करते हुए फोटोज खींचती है, जो कि नामदा बाद में सोशल मीडिया पर भी डालता है। दूसरी तरफ जनवुक को देखते हैं, वो देगियोंग से कह रहा था, मुझे अभी भी न्यूल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, पता नहीं वो जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। तो देगियोंग कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था तुम अभी सिर्फ डेटिंग करने के लायक हो, हस्बैंड बनने वाले गुण तुम्हें अभी दिखाई नहीं देते, इसी वजह से वो अभी तक तुम्हें आंसर नहीं दे रही। इस बात पर जनवुक को गुस्सा आ जाता है और जनवुक कहता है, लगता है तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। दोनों फाइट करना शुरू करने वाले थे, तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाती है और पता चलता है कि एक पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, उस पेशेंट का माइंड बार बार चेंज हो रहा है। तो देगियोंग कहता है, चिंता मत करो, जब उसकी सर्जरी हो जाएगी और वो सर्टिफाइज हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले सीन में हम देगियोंग को उसी लेडी की सर्जरी करते हुए देखते हैं। वही न्यूल भी अपने काम से फ्री होकर जनवुक को कॉल करती है और उसे कहती है, आज रात को फ्री रहना, हम दोनों डिनर पर जाएंगे। वो उससे पूछता है कि अचानक उसने ये प्लान क्यों बनाया। तो न्यूल कहती है, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर जनवुक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसे लगता है न्यूल शायद उसे जवाब देने वाली है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सोचता है कि ये शानदार जगह है आंसर सुनने के लिए। तभी यहाँ पर न्यूल आ जाती है और न्यूल भी उससे बात करने में हिचकिचा रही थी। तो जनवुक कहता है, अब बता भी दो तुम क्या कहना चाह रही थी। न्यूल कहती है, दरअसल मेरे चीफ चाहते हैं कि मैं 6 महीने के लिए बाहर जाकर काम करूं। हमारी हॉस्पिटल की तरफ से US में नेक्स्ट ईयर चाइल्ड हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि 6 महीने के लिए मैं वहाँ पर जाकर ज्वाइन करूँ।
इस पर जनवो कहता है, तो तुम्हें क्या चीजें रोक रही है? और तब न्यूल कहती है, मुझे बुरा फील हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे अभी प्रपोज किया और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। जनवो कहता है, न्यूल तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम अपने करियर में रुको। मुझे तो बहुत ही खुशी होगी अगर तुम वापस जाओगी। ये जवाब सुनकर न्यूल को भी बहुत खुशी होती है। फिर जनवो उससे पूछता है कि कब जाना है, तो न्यूल कहती है अगले महीने। ये सुनकर जनवो के पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल ये सब कुछ उसने आसानी से बोल तो दिया था कि चली जाओ, लेकिन अंदर से वो चाहता था कि वो ना जाए। आगे जब जनवो घर आता है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने आप से ही बात करने लगता है कि वो क्यों जाना चाहती है, वो भी 6 महीने के लिए। 6 महीने तो क्या, मैं एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, और उसने तो अभी तक मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। ये सब बातें करते हुए वो इरिटेट हो रहा था। अगले दिन जनवो बड़े उदास मन के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी पीछे से देगयोंग भी उसे आवाज लगाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे पूछता है कि उसे क्या हो गया है, क्या वो बीमार है? तो जनवो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो देगयोंग उससे पूछता है, तो फिर क्या बात है, क्या किसी ने तुम्हें स्कैम कर दिया है? फिर जनवो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये बातें करते हुए दोनों जा रहे थे, तभी हम पीछे से उसी पेशेंट को आते हुए देखते हैं और वो आकर देगयोंग पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसकी आई की सर्जरी बिगाड़ दी। जबकि देगयोंग उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने पहले ही सबको समझा दिया था और उनकी सर्जरी अच्छे से हुई है, तो प्लीज वो कंप्लेन करना बंद कर दे। लेकिन वो लेडी नहीं मानती और कहती है मुझे मेरा रिफंड दो, वजह से मेरा ऑडिशन भी कैंसिल हो गया। बात पर देगयोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हमारे सर्जरी में कोई कमी नहीं रही, आपने ठीक से ऑडिशन ही नहीं दिया होगा, तो रिजेक्ट आप अपने काम की वजह से हुई है, हमारी वजह से नहीं। ये सुनकर उस लेडी को भी गुस्सा आ जाता है और वो सामने रखे डस्टबिन को उठाकर उन पर फेंकने वाली थी। तभी यहाँ पर पीछे से लियोंग आ जाती है। इससे पहले कि वो लेडी उन पर डस्टबिन फेंकती, वंग कूद कर जाकर उस डस्टबिन को किक मारकर फेंक देती है और देगयोंग को सेव कर लेती है। अगले सीन में हम देगयोंग को भी इसके लिए परेशान होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने लियोंग से प्रॉमिस किया था कि वो हर बार उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वो तो उल्टा ही उसे प्रोटेक्ट कर रही है, जिस वजह से उसे शर्मिंदा फील हो रहा था। तभी यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी आ जाती है और उसे बताती है कि उस पेशेंट के बारे में वो ज्यादा टेंशन ना ले, उनके क्लिनिक ने उसकी सर्जरी अच्छे से की थी, बस वो पेशेंट ज्यादा ड्रामा करने वाली है। फिर वो देगयोंग को अपना रिजाइन लेटर दे देती है और देगयोंग ये देखकर उससे पूछता है ये क्या है, तो सिक्योरिटी कहती है मैं इस जॉब को छोड़कर जा रही हूँ। देगयोंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम क्यों जाना चाहती हो, मेरी गर्लफ्रेंड है क्या इस वजह से, फिर उस दिन हमारी केस हो गई थी इस वजह से। तो सिक्योरिटी कहती है इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दरअसल मेरा एक ड्रीम है और वो है टूर पर जाना, इसके लिए मैंने काम करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ। ये सुनकर देगयोंग भी उसे जाने से रोकता नहीं। आगे देगयोंग ये बात आकर जनवो को बताता है कि वो जॉब छोड़कर जा रही है, उसके जाने के बाद वो उसे बहुत ही मिस करेगा क्योंकि वो ज्यादातर इस क्लिनिक की पूरी टेक केयर करती थी। तो जनवो कहता है ऐसी बात है तो तुम उसे रोक क्यों नहीं लेते? देगयोंग कहता है वो जॉब इसलिए नहीं छोड़ रही कि उसे यहाँ पर काम करना पसंद नहीं, दरअसल उसका बहुत ही बड़ा सपना है, वो ट्रैवल करना चाहती है। जब वो ये बातें कर रही थी ना तो उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, और अगर सच में मैं उसकी केयर करता हूँ तो मुझे उसे जाने देना चाहिए। ये सुनकर जनवो की भी आंखें खुल जाती है और उसे समझ आता है कि हर इंसान के लिए उसकी ड्रीम कितनी जरूरी है, और इसी बात का एहसास दिलाने के लिए वो न्यूल को डिनर पर लेकर जाता है। उससे कहता है जब तुमने अचानक मुझे बताया कि तुम्हें बाहर जाना होगा तो मैंने ऊपर से तो कह दिया था कि तुम जा सकती हो, पर मैं दिल से बहुत ही उदास हो गया था क्योंकि ये तो अनफेयर होगा कि 6 महीने तक मैं तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को नहीं देख पाऊंगा, पर इन सब के चक्कर में तुम अपने ड्रीम को नहीं छोड़ सकती। मैं अब तुमसे दिल से कह रहा हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम कहीं भी रहोगी तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। ये सुनकर न्यूल भी इमोशनल हो जाती है। तभी उसके पास सीनियर डॉक्टर का कॉल आ जाता है और वो उससे उसका जवाब पूछ रहे थे, तो जनबुक अपनी पलके झपकाकर उसे हाँ करने के लिए कहता है। ये बात न्यूल बाहर जाने के लिए हाँ भर देती है। आगे ये दोनों रास्ते पर बातें करते हुए आ रहे थे तो न्यूल कहती है मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है, मेरे जाने के बाद तुम अकेले इसी रास्ते से जाया करोगे, मैं तो अभी से ही तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो जनवो कहता है मैं भी तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ, जिसके बाद ये दोनों बच्चों की तरह रोने लगते हैं। अगले दिन न्यूल जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो पता चलता है कि उसका ऑफर कैंसिल हो गया है क्योंकि उसके जगह प्रोफेसर किम जा रही है, पर इन सब बातों से न्यूल को समझ आ गया था कि प्रोफेसर किम उसके जगह पर क्यों जा रही है, क्योंकि उनके पीछे किसी का फेवर है। लेकिन न्यूल इस बार इस बात को भी माइंड में नहीं लेती, और जब वो घर आ रही थी तो रास्ते पर उसे जनवुक मिल जाता है। उसे देखकर कहती है कि वो आज काम से इतना जल्दी क्यों आ गया। जनवुक बताता है वो उसे डेट पर ले जाने वाला है, वो बाहर इतने महीनों के लिए जाने वाली है, इससे पहले वो उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। पर न्यूल उसे बताने वाली थी कि उसका ऑफर कैंसिल हो गया है, लेकिन जनवुक उसे बोलने का मौका ही नहीं देता, वो उसे खींच कर ले आता है तोबकी खाने। खाना खाने के बाद ये दोनों गेम भी खेलने जाते हैं। आगे जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन सभी ने मिलकर न्यूल के लिए पार्टी सरप्राइज भी रखा था,
सभी लोग इमोशनल होने लगते हैं और तेसुन न्यूल को कुछ पैसे देते हैं और वॉल्सुन अपने हाथ से बनाया हुआ कंफर्ट वाला पिलो भी उसे देती है। तभी न्यूल के फोन पर मैसेज आता है जो चीफ की तरफ से था। वो उसे माफी मांग रहे थे क्योंकि उसका ऑफर कैंसिल हो गया था और ये मैसेज जनवक पढ़ लेता है। तभी न्यूल भी सबको रोकती है और वो बताने वाली थी कि उसका ऑफर कैंसिल हो गया है, लेकिन इससे पहले जनवक उसे हक कर लेता है और जोर जोर से रोकर कहने लगता है, प्लीज तुम मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। दरअसल जनवोक नहीं चाहता था कि न्यूल फिर से सबके सामने शर्मिंदा हो जाए, इसलिए वो ये नौटंकी कर रहा था। आगे जब ये नीचे आ जाते हैं तो जनवोक उसके कपड़े साफ करने लगता है और न्यूल पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ऑफर कैंसिल हो गया है? तुम्हारे नाटक से मैं समझ गई थी कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तो जनवोक कहता है, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था, ये तो गलत है, ऑफर देकर उन्होंने तुम्हें मना क्यों कर दिया? तो न्यूल कहती है, छोड़ो, जाने दो इस बात को, वैसे भी मेरा भी मन नहीं था तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर जाने की, लेकिन इसके बाद भी तुमने डेट पर जाने की जो भी प्लानिंग कर रखी है हम उन सबको पूरा करेंगे। फिर हम रात में न्यूल को अपने काम पर बिजी होते हुए देखते हैं। लाइफ इस तरह की होती है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बस हमें उनका डटकर सामना करना होता है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हम थोड़ा बहुत योगदान और भी दे सकते हैं। देखिए, जनवुक ने कुकिंग क्लास ली थी और वो न्यूल को डेट पर ले जाकर सारा खाना खुद ही अपने हाथों से बनाता है और इन सब छोटी मोटी चीजें से रिलेशनशिप और भी मजबूत होती है। दूसरी तरफ नामदा को देखते हैं, वो अपनी मॉम को पर्स दिलाने के लिए लाया था। वो अपनी मॉम के लिए एक महंगा सा पर्स सिलेक्ट करता है तो वॉल्सुन उसका प्राइस देखकर वहाँ से भाग जाती है। इसी तरह ली होंग और दिगोंग भी छोटी मोटी चीजें करके अपने रिलेशनशिप को और भी मजबूत कर रहे थे। आगे हम न्यूल को डॉक्टर के पास आते हुए देखते हैं। अब बारी थी ये जानने की कि न्यूल डिप्रेशन से बाहर आई या नहीं, इसलिए फिर से उसे फॉर्म भरने को दिया जाता है और न्यूल शांति से बैठकर इस फॉर्म को फिल कर देती है। जब डॉक्टर इस फॉर्म को चेक करते हैं तो न्यूल से कहते हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उसे अब यहाँ पर विजिट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर न्यूल के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आती है। आगे देखते हैं कि डॉक्टर न्यूल को छोड़ने के लिए बाहर तक आए थे और वो बताते हैं जब उनका पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आता है। न्यूल बाहर देखती है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, इनके चेहरे पर भी वही डिप्रेशन और एंजाइटी दिख रही थी। दूसरी तरफ नामदा और वॉल्सुन को देखते हैं। देखते हैं कि वॉल्सुन ने उस पर्स के जगह एक छोटा सा वॉलेट खरीद लिया था। नामदा कहता है, आपको बड़ा वाला पर्स लेना चाहिए था। वॉल्सुन कहती है, तुमने देखा नहीं वो कितना महंगा था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने महंगा पर्स लिया है कि सस्ता, फर्क तो इससे पड़ता है कि तुमने पहली बार अपने पैसों से मुझे ये दिलाया है। नामदा कहता है, फिर भी आपको न्यूल पर ज्यादा प्राउड होता होगा कि हम दोनों शुरू से ही बहुत ही अलग है। नामदा मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है और वो एक डॉक्टर भी है। वॉल्सुन कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम भी मेरे ही बच्चे हो। पता है तुम्हारा नाम मैंने नामदा क्यों रखा? जब तुम मेरे पेट में थे तो मैंने सपने में देखा कि समुंदर में बहुत बड़ी रेनबो छाई हुई थी। वो इतना खूबसूरत था कि तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारा नाम नामदा रखूंगी और नामदा का मतलब है रेनबो। मैं तुम दोनों से इक्वली प्यार करती हूँ। इसके बाद वो नामदा को उसी वॉलेट के साथ फोटो खींचने के लिए कहती है। वही देगियोंग और लियोंग भी पार्क में बैठे हुए थे तो देगियोंग लियोंग को बताता है कि जनवुक भी जल्दी हॉस्पिटल को छोड़ देगा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसने जनवुक से भी बात की थी, उसने उसे कहा था कि उसे भी अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए और वो भी यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, जबकि जनवुक इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि उसने बुरे टाइम पर उसकी हेल्प की थी तो इसके बदले वो भी उसे पे बैक करना चाहता था। लेकिन देगियोंग ने उसे समझाया कि दोस्ती सिर्फ पे बैक के लिए नहीं होती। अगले सीन में हम जनवुक को महंगी सी कार में देखते हैं। वो अपने क्लिनिक के सामने आकर रुकता है। देखते हैं ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनरी थी, अभी तो बस उसने छोटी मोटी शुरुआत की है। वो क्लिनिक के अंदर आ जाता है तो न्यूल भी उसे विश करने के लिए आ जाती है। जब वो उसके क्लिनिक पर पहली बार गई थी तो वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन आज उसने फिर से नई शुरुआत कर ही दी है, भले ही शुरुआत छोटे से ही क्यों ना हुई हो। अब तो नामदा ने भी दूसरों से पैसे मांगना बंद कर दिया है। कि उनके रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है और नामदा उनसे कहता है, हम डिलीवर नहीं कर पाते। वो कहती है, मैं यहाँ पर डिलीवर करने नहीं आई, मैं यहाँ पर नूडल्स खाने आई हूँ। तभी पीछे से तेसुन उसे दान भी करके बुलाता है और पता चलता है कि तेसुन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो अचानक ही सोल शिफ्ट हो गई थी जिसके बाद ये दोनों कभी मिले ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। तेसुन उससे पूछ लेता है क्या उसने शादी कर ली, तो दानवी कहती है अभी तक नहीं। सुन उससे पूछता है क्या उसने किसी को देख रखा है, तो इस पर भी दानवी कहती है अभी तक नहीं। इस तरह दो पुराने दोस्त भी फिर से मिल चुके थे। वही वॉल्सुन भी अपनी लाइफ खुशी के साथ जी रही थी। उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों बच्चों को अच्छे से ग्रो करेगी और उन दोनों का ख्याल रखेगी। देगियोंग ने भी अपने दिल की करना शुरू कर दिया था। देखते हैं कि वो टाइम पास के लिए यूट्यूब में वीडियोस बना रहा था। लियोंग भी जब ये वीडियो देखती है तो उसे भी बहुत ही खुशी होती है। आगे हम छोटी मोटी चीजें और भी होते हुए देखते हैं। देखते हैं किम और योंग का स्टार्टअप इतना चल नहीं रहा था पर वो कोशिश पूरी कर रहे थे। तब यहाँ पर उनके सर भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों खुश होते हैं और उनसे मजाक भी करने लगते हैं
छोटे से सीन में जिनसुक को भी देखते हैं और जनवुक उसे मैसेज करता है क्योंकि उसे अपने नए क्लिनिक पर ट्रस्टवर्थी पर्सन चाहिए था और वो जिनसुक को उसके क्लिनिक ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। आगे हम जनवुक को क्योंगमिन के मेमोरियल में भी जाते हुए देखते हैं और जनवुक का मानना होता है चाहे इंसान कैसा भी हो उसके मरने के बाद उसे हमें माफ कर देना चाहिए। और आखिरी सीन में हम जनवुक और न्योल को समुन्द्र के किनारे देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आए थे। जैसे ही सनराइज होता है तो वो दोनों ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि पिछली बार उन्होंने ये मिस कर दिया था। फिर जनवुक न्योल से पूछता है सब कुछ ठीक हो गया पर अभी तक तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। न्योल पूछती है किस बारे में और जनवुक कहता है क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें प्रपोज किया था उसका आंसर। फिर न्योल कहती है तुम बिल्कुल पागल हो अगले वीक हमारी वेडिंग की फोटो शूट है और अभी भी तुम्हें आंसर चाहिए। तो जनवुक कहता है ऑफ कोर्स मुझे आंसर चाहिए। फिर न्योल कहती है ठीक है अब मैं तुम्हें आंसर देने जा रही हूँ। इसलिए जनवुक बड़े तैयार होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। न्योल उसे चिढ़ाते हुए कहती है आंसर तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। वेल एपिसोड खत्म होने से पहले हम जनवुक और न्योल के वेडिंग कार्ड को देखते हैं और अगले ही सीन में हम इन दोनों की वेडिंग की फोटोज भी देखते हैं यानी कि उनके लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। उनके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे दोनों को मिलकर उनका सामना करना होगा इसी थॉट के साथ ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर सलम के ड्रामा का ये लास्ट एपिसोड था। आई होप कि आप लोगों ने इस ड्रामा को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।